पिछली कई वीडियोस से मुझे ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप सिर्फ पॉजिटिव बातें ही क्यों डिस्कस करते हो। तो क्योंकि मैंने क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो ये वीडियो में थोड़ी सी मैं नेगेटिविटी की बात करना चाहता हूँ कि किन किन लोगों में ऐसे युवा बनते हैं कि वो अपनी लाइफ में भिखारी भी बन सकते हैं। जो करोड़पति लोग हैं उनमें से कौन सी ऐसे लोग हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके अपनी सारी की सारी वेल्थ गवा सकते हैं, एकदम से सडनली वेल्थ गवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बात करेंगे कि कब कब आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं कि आपको ऐसी एंथुजियाज्म मिलती है कि आप सारे के सारे पैसे अपने या तो गैम्बलिंग में लगा देते हैं या बिटकॉइन में लगा देते हैं, शेयर मार्केट में लगा देते हैं और अल्टीमेटली करोड़पति से आप रोडपति बन जाते हैं, यानी कि भिखारी बन जाते हैं आप। तो जब भी हम किसी की कुंडली में ये देखते हैं कि किसी के पास करोड़ों रुपए थे और वो जीरो पे आ चुका है, भिखारी बन चुका है आज की डेट में, तो इसमें तीन हाउसेस की मेजर प्लेसमेंट देखी जाती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, अगर हम स्पेकुलेशन से मनी हारने की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने कहीं पे पैसे लगाए, स्टॉक्स में लगाए, क्रिप्टो करेंसी में लगाए, सट्टे में लगाए, जुए में लगाए और आपने बहुत मेजर मनी हार दी है, तो फिफ्थ हाउस यानी कि आपकी उल्टी का ये वाला हाउस सबसे मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, तो फिफ्थ हाउस है वो हाउस का लॉर्ड, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड और फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनका मेजर रोल होता है आपको ऐसी एंथुजियाज्म देने का कि आप सारी अपनी वेल्थ सडन प्रॉफिट्स के चक्कर में लगा दीजिए। सेकेंड हाउस जो इंपॉर्टेंट है वो है एट्थ हाउस। देखिए, एट्थ हाउस यहाँ पे है, एट्थ हाउस के साथ साथ जो स्कॉर्पियो राशि है, जो आठ नंबर राशि है, चाहे वो कहीं भी पड़ रही हो आपकी कुंडली के अंदर, वह भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके सडन चेंजेस में। जो स्कॉर्पियो राशि है या फिर जो एट्थ हाउस है वो सडन चेंजेस दर्शाता है। जब आपकी लाइफ में कल तक बहुत पैसे थे और आज नहीं है, यानी कि सडनली आप गरीब हो गए हैं, सडनली आप रोड पे आ गए हैं, एट्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है उस चेंजेस में। तो हम एक तो फिफ्थ हाउस के एनालिसिस करेंगे, एक एट्थ हाउस के एनालिसिस करेंगे और फाइनली, क्योंकि सेकेंड हाउस वेल्थ का हाउस माना जाता है, यानी कि जो आपने अपनी पूरी लाइफ में वेल्थ एक्युमुलेट करी है वो जब हम सेकेंड हाउस से देखते हैं, तो सेकेंड हाउस की प्लेसमेंट और सेकेंड लॉर्ड की प्लेसमेंट और सेकेंड हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ये डिसाइड करने में कौन सा व्यक्ति भिखारी बन सकता है अपनी लाइफ में। यानी कि बहुत सारा धन कमाया आपने और सडनली सब कुछ ही गवा दिया, सट्टे में गवा दिया या फिर सडनली आपने कुछ ऐसी चॉइसेस ली, कई लोग प्रॉपर्टीज में भी गवा देते हैं, कहीं पे ऐसे प्रॉपर्टी ले ली जहाँ पे पैसे ही फंस गए और सडनली आपके पास बैंक बैलेंस जीरो हो गया। तो फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और सेकेंड हाउस, ये तीन हाउसेस की हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। साथ के साथ एक चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो ग्रह, स्पेसिफिकली दो ग्रह बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपको करोड़पति से रोड़पति तक लाने के लिए। वो दो ग्रह है, एक तो शनि और एक है केतु। देखिए, केतु दर्शाता है इमीडिएट सेपरेशन, यानी कि सडन सेपरेशन अगर आपकी किसी चीज से हो रही है तो वो केतु का रोल प्ले होता है वहां पे। और साथ के साथ शनि दर्शाता है आपकी हेल्पलेसनेस, आपकी एक तरह से एंजाइटी, आपको जो माइंड में टेंशन हो रही है, जब भी नेगेटिव शनि होगा आपकी कुंडली में हेल्पलेसनेस फील होगी आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में। तो शनि और केतु साथ के साथ फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और सेकेंड हाउस, ये पांच चीजों की हम एनालिसिस करेंगे। और आइए अब जानते हैं कि कैसे कैसे युवक बन सकते हैं आपकी कुंडली में जिनसे आप सडनली अपनी सारी वेल्थ गवा सकते हैं लाइफ में। तो पहला योग जो अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, आपको भूल कर भी कभी जिंदगी में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिटकॉइन में पैसे नहीं लगाने चाहिए, कैसीनोज में पैसे नहीं लगाने चाहिए और कभी भी सट्टे में, लॉटरियों में पैसे लगाने का सोचना भी नहीं चाहिए, वो है अगर आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस के, यहाँ पे सेकेंड हाउस में अगर आपकी कुंडली में शनि और केतु की कंजक्शन हो रही है। देखिए, जो सेकेंड हाउस है वो हमारी कुंडली में ये दर्शाता है कि हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी है लाइफ में। जब यहाँ पे शनि और केतु दोनों की कंजंक्शन हो गई तो शनि हमारी हेल्पलेसनेस दर्शाता है और केतु दर्शाता है इमीडिएट सेपरेशन, सडन सेपरेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब ये दोनों की कंजंक्शन हो रही है, शनि वैसे भी आपको कभी भी सेकेंड हाउस में बैठ के ऐसे सोर्सेस से इनकम कमाने ही नहीं देगा जिसमें आपको एकदम से पैसे मिल पाए। शनि दर्शाता है हमारी हार्डवर्क को, अगर आप हार्डवर्क से पैसे नहीं कमाएंगे और सेकेंड हाउस में शनि है
तो कभी भी आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे। तो शनि और केतु की अगर कंजंक्शन सेकेंड हाउस में बन रही है, भूल कर भी आप ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन ना करिए लाइफ में, क्योंकि बहुत चांसेस है कि आप सारे के सारे पैसे अपने एकदम से कमा देंगे लाइफ में। शनि और केतु के प्लेसमेंट के अलावा सेकेंड प्लेसमेंट जो इस प्लेसमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव बना देती है वो ये है, अगर शनि और केतु सेकेंड हाउस में ही बैठे, बट जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, सपोज करिए यहाँ पे फुल नंबर लेना है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड हो गया मून, तो अगर ये केंद्र हाउस में बैठ गया, यानी कि फोर नंबर में बैठ गया, सेवन में बैठ गया, टेन में बैठ गया, या त्रिकोण में बैठ गया, फाइव या नाइन में भी बैठ गया, या फिर इलेवंथ हाउस में बैठ गया, फोर्टीन हो गए, तो इस केस में ये वाला योग थोड़ा सा कम नेगेटिव असर देगा। यानी कि फिर भी चांसेस है कि आप बहुत कुछ गवा दें, बट ये इतना भी नेगेटिव नहीं माना जाएगा अगर सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अच्छी स्थिति में बैठा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शनि अपनी राशि में बैठ जाए, यानी कि 10 या 11 नंबर यहाँ पे राशि पड़ रही हो, तब भी ये इतने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। बट फिर भी आपको ये ट्राई करना चाहिए कि अगर शनि और केतु सेकेंड हाउस में बैठे हैं आपकी कुंडली में, स्पेकुलेशन में पैसे ना लगाएं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गरीबी से गुजर सकते हैं अपनी लाइफ में और एकदम से करोड़पति से रोड़पति बन सकते हैं। थर्ड प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये भी शनि और केतु की प्लेसमेंट है सेकेंड हाउस के अंदर। अगर शनि और केतु फिर से सेकेंड हाउस में ही बैठे हैं, बट आप पाइसेस असेंडेंट है, यानी कि आपका लग्न 12 नंबर का है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर यानी कि एरीज पड़ रहा है, तो अगर एरीज साइन में शनि और केतु आपके सेकेंड हाउस में आके बैठ गए, इससे नेगेटिव पोजीशन हो ही नहीं सकती। अगर आप इस पोजीशन के साथ ट्रेडिंग करने का सोचेंगे तो 100% गारंटीड है कि आपके सारे के सारे पैसे गवाएंगे ही गवाएंगे, आप करोड़पति से रोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। और ये योग एक तरह से भिखारी का योग दर्शाता है, तो आप एक तरह से भिखारी भी बन सकते हैं अपनी लाइफ में करोड़पति से स्टार्ट होके। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो अपनी एंसेस्ट्रल वेल्थ एकदम से गंवा देते हैं, जो इनके वाइफ की सेविंग्स हो गई, हस्बैंड की सेविंग्स हो गई, या फिर फोर फादर्स की सेविंग्स हो गई, वो एकदम से जो लोग गंवाते हैं उनकी ऐसी प्लेसमेंट होती है जो शनि और केतु सेकेंड हाउस में बैठे हैं, वो भी एरीज के अंदर। देखिए, शनि आपको कभी भी शॉर्टकट से पैसे कमाने ही नहीं देगा। अगर आप ऐसी प्लेसमेंट लेके शॉर्टकट से पैसे कमाने की सोच रहे हैं, यानी कि फिफ्थ हाउस की सिग्निफिकेंस से पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो भूल जाइए, आप मेहनत से पैसे कमाइए तभी आपको सक्सेस मिलेगा। आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ऐसी प्लेसमेंट के साथ। अब चौथा सिनेरियो जिसमें आपको कभी भूल कर भी क्रिप्टो करेंसी में या सट्टे में या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाने चाहिए, वो है अगर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, यानी कि जो आपका ये घर है इसका अगर लॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोन नंबर पड़ रहा है तो लॉर्ड हो गया मून, तो अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड या तो छठे घर में या आठवें घर में, इन दोनों घरों में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाके बैठ जाए, और इसके साथ साथ यहाँ पे शनि राहु और केतु के साथ बैठा हो, या इसके ऑपोजिट शनि राहु और केतु में से कोई भी बैठा हो, यानी कि शनि राहु और केतु की इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, छठे और आठवें घर में हो, और नीच की स्थिति में अगर वो अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नीच की स्थिति में डेब्रेटेड फॉर्म में है, फिर इस कंडीशन का एक तरह से गारंटी हो जाती है कि आपको ये प्लेसमेंट एक तरह से ऐसा एंथुजियाज्म देगी कि आप सारे के सारे पैसे अपने कैसीनोज में लगा देंगे, क्रिप्टो करेंसी में लगा देंगे और सडनली आपका लॉस हो जाएगा। तो इस प्लेसमेंट के साथ आपको कभी भूल कर भी जिंदगी में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगली प्लेसमेंट जो आपको एक तरह से करोड़पति से रोड़पति तक लेके आ सकती है, आपके बैठे बिठाए सारे के पैसे गवा सकती है, वो है अगर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड प्लस फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड हाउस का लॉर्ड हो गया वीरस, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो गया सूर्य, सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस का नया महीना आपका कंजंक्ट होकर या तो छठे घर में बैठ गया हो, यानी कि सूर्य और वीरस यहाँ बैठ गए, या आठवें घर में बैठे हो सूर्य और वीरस यहाँ बैठ गए, या फिर बारहवें घर में बैठे हो सूर्य और वीरस यहाँ पे बैठ गए, और इस पर इन इस प्लेसमेंट पे या तो शनि राहुल या केतु की एक्सपेक्टेशन आ जाए, यानी कि दृष्टि पड़ रही हो, या फिर इनके साथ शनि राहुल या केतु भी बैठा हो छठे आठवें और बारहवें घर में, तो भूल कर भी आपको ट्रेडिंग में पैसे नहीं लगाने चाहिए। आपको ये स्थिति ऐसी मोटिवेशन दे सकती है कि आप बहुत सारे पैसे अपने एकदम से एक बेट पे लगा दें और सारा का सारा धन अपना गवा दें।
तो अगर ऐसी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बन रही है, कभी भी क्रिप्टोकरेंसी में, लॉटरीज में, कैसीनोज में पैसे मत लगाएं। अगली प्लेसमेंट अपनी थोड़ी मिलती जुलती प्लेसमेंट आ गई, जो आपको ऐसी मोटिवेशन देती है कि आप सारे के सारे पैसे अपने एक ही बेट में, एक ही ट्रेड में गवा सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो देखिए, आपका सेकंड हाउस का लॉट जैसे हमने डिस्कस किया, और फिफ्थ हाउस का लॉट जैसे अगर सपोज 2, 3, 4, 5, 6 लिखें, तो सेकंड हाउस का लॉट आ गया मर्क्यूरी, और सिक्स हाउस का लॉट भी आपका मर्क्यूरी आ गया। ये मर्क्यूरी कहीं पे भी, जहां पे भी आपके कुंडली में आग न बन लिखा है, यानी कि स्कॉर्पियो राशि पड़ रही है उसमें बैठ हुआ है। स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड क्या होता है, मार्स। मार्स डेबिलिटी के रोके, यानी कि 4 नंबर राशि में मार्स बैठा हो, तो एक तरह से ये भी एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सारे के सारे पैसे सडनली गवा सकते हैं, एकदम से आपसे सारे पैसे छीन लिए जाए और आप बेगर बन गए एक तरह से, वैसी प्लेसमेंट करना होती है। तो जो लोग अपने सारे पैसे एक ही ट्रेड में गवा देते हैं, उनकी ऐसी प्लेसमेंट होती है कुंडली के अंदर। तो आपको अवॉइड करना चाहिए स्पेकुलेशन से पैसे कमाना, आपको मेहनत करके ही पैसे कमाने चाहिए। आखिरी प्लेसमेंट की मैं बात करने जा रहा हूं, तो अगर आपकी कुंडली में ये प्लेसमेंट बन रही है, आपको कभी भूल कर भी क्रिप्टो करेंसी में या स्पेकुलेशन से पैसे कमाने का नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस का लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल इस केस में सेकेंड हाउस का लॉर्ड हो गया सूर्य, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जिस जो इस केस में हो गया मंगल, अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठ जाए 12th हाउस में, यानी 12th हाउस में सन एंड मार्स बैठ गए आपकी कुंडली के अंदर, और इसके साथ शनि बैठ जाए 12th हाउस के अंदर, तो ये गारंटीड प्लेसमेंट होती है कि आपको ये प्लेसमेंट बेगर बना सकती है। देखिए, 12th हाउस हमारी लॉसेस या सेपरेशन का हाउस माना जाता है। जब यहाँ पे फिफ्थ हाउस और सेकेंड हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठ गए, शनि के साथ आके बैठ गए, तो शनि क्योंकि कभी भी आपको इजी मनी नहीं कमाने देता लाइफ में, तो अगर आप स्पेकुलेशन से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे ऐसे केसेस में, या बिटकॉइन में पैसे लगाएंगे, ट्रेड मार्केट में पैसे लगाएंगे, शेयर्स खरीदेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके सारे के सारे पैसे आपसे चले जाएंगे। तो एक तरह से हमने ये प्लेसमेंट्स डिस्कस करी कि कौन सी प्लेसमेंट्स बेगर्स की प्लेसमेंट्स होती है, कौन सी प्लेसमेंट्स आपको बेगर बना सकती है लाइफ में। चाहे आप अभी करोड़पति हो, तो करोड़पति से रोड़पति वाली प्लेसमेंट्स हमने डिस्कस करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।